eyeshadow as a liner. अब लाइट ब्लैक कलर का लाइनर मैं आई शेडो के हेल्प से ही ड्रॉ करूँगी. यहाँ पे मैंने प्रॉपर लाइनर नहीं लगाया है, थोड़ा सा स्मज्ड लाइनर लगाया है. इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे मस्कारा. सो मैंने यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई नहीं किए हैं, आप चाहें तो फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद मैंने अच्छे से अपनी लैशेस में मस्कारा लगा लिया है. आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग काजल एंड इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने फेस को हाईलाइट. जो भी हाईएस्ट पॉइंट्स हैं आप उनको अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर लिया है. एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ इन द शेड पिंक, ताकि थोड़ा सा आपका जो मेकअप है वो फेस्टिव लगे. इसके बाद मैंने यहाँ पे बेला वोस्टिक का न्यूड लिप क्रेयॉन लिया है, न्यूड पिंकिश लिप क्रेयॉन. बट ये मेरी साड़ी के हिसाब से थोड़ा सा लाइट लग रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का चबी स्टिक लिया है और इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कलर आई मस्ट से, बहुत ही सुंदर लगता है ये फेस्टिव उस पर. इसके बाद मैंने अपनी एसेसरीज अप्लाई कर ली हैं, बिंदी एंड ईयर रिंग्स वगैरह. एंड हियर इज़ द कंप्लीट लुक. सो आप देख सकते हैं जो भी साउथ इंडियंस होते हैं वो ओनम पे इसी तरीके का लुक क्रिएट करते हैं. एंड आई रियली लव दिस लुक. एंड अब मैंने इसके बाद मेरी साड़ी भी वेयर कर ली है. सो दिस इज़ द फाइनल लुक. दैट्स इट गाइज. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए मेरे वीडियो को. नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो दैट्स इट. बाय बाय. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.